तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बनाएंगे स्लीवलेस प्रिंसेस कट बोट नेक डिजाइनर ब्लाउज, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से। वो फटाफट बनने वाला ये प्रिंटेड सिल्क ब्लाउज आपको बहुत खूब जचेगा प्रिंटेड साड़ियों पे। तो ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया 80 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास लाइनिंग का फैब्रिक है। इससे पहले कि हम कपड़े पे कटिंग करें, पहले हम आप फर्मा कटिंग देख लेते हैं, और इससे बहुत सरल कटिंग होगी और आप इसको बहुत जल्दी से कर पाएंगे। और खास बात में इसकी सिलाई बहुत ही कम होगी, तो आप इसकी स्टिचिंग जरूर करें अपनी अच्छी अच्छी ब्लाउज के अंदर। और देखिए जो बाजू का है तो आप उसमें बाजू लगा भी सकते हैं, नेट की भी लगा सकते हैं, अदरवाइज प्रिंटेड भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लीवलेस बना रही हूँ बोटनेक के अंदर, तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। हम अपने ब्लाउज की फर्मा कटिंग करें। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्लाउज कटिंग्स के पूरे स्टेप्स बताए जाएंगे, कटिंग और स्टिचिंग भी बताई जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पे 13.5 इंच इसकी लेंथ तैयार रखनी है। तो यहाँ पे मैं बैक साइड की आपको कटिंग बता रही हूँ, और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं 14 इंच, 14 इंच की यहाँ पे हम बोट नेक बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 इंच शोल्डर है, और 4 इंच हमारे नेक की चौड़ाई हम रखेंगे, वो 4 या 4.25 इंच आप रख सकते हो। बैक साइड का जो नेक होगा हमारा वो सिर्फ 2 इंच का होगा। तो इस तरह से आप 2 इंच नेक नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का नेक हो गया है। यहाँ पे आप सिर्फ हल्का सा ऐसे स्लिप कर दें ताकि ये जो पट्टी है वो खड़ी ना रहे। अब यहाँ से फिर हम 6 इंच पॉइंट लगाएंगे, और इसको हम 6.25 इंच ले रहे हैं आर्मोल को। और यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 इंच, बैक साइड में बिल्कुल बराबर लिया जाता है, ये हो गया है। अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये बोट नेक है इसलिए हमें, और स्लीवलेस भी है इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं देते हुए सिर्फ 1 इंच का हम राउंड शेप लगाएंगे। क्योंकि ये स्लीवलेस है और बोट नेक है। अगर आप बाजू लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच का शेप लगाना, ये जो शेप है वो आप 1.5 इंच का कर देंगे अगर आप बाजू लगा रहे हो। तो इस तरह से हमने इसको राउंड शेप बना दिया है, और ये मैंने इसको हाथ से गोलाई दे दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे कमर पे, और उससे पहले यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं 1.5 इंच का। अब कमर में हम चलते हैं, कमर का 4th पार्ट देखिए यहाँ से 8 इंच, और हम बैक साइड की जो डार्ट लगाएंगे वो लगाएंगे 0.5 इंच की, तो ये हो गया 8.5 इंच पे। और फिर हम 1.5 इंच का ये मार्जिन ले लेंगे, तो ये हमारी मार्जिन लाइन हो गई है। अब हम फिटिंग पॉइंट को इस तरह से बैक साइड का पार्ट्स है फिटिंग पॉइंट में मिला देंगे, और बैक साइड मार्जिन लाइन को हम मार्जिन लाइन में मिला देंगे। तो अब यहाँ पे हम लेंगे बैक साइड की डार्ट 4.25 इंच पे, और ये डार्ट की लेंथ हम लेंगे बिल्कुल हल्की यानी 3 इंच की, और इसकी चौड़ाई होगी सिर्फ 1/2 इंच की यानी 1/4 इंच इस तरफ में और 1/4 इंच इस तरफ से, टोटली होगी ये 1/2 इंच की। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 इंच से 2.5 इंच तक की, यहाँ से यहाँ तक का 0.5 इंच है। तो ये बैक साइड की डार्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बैक साइड का पार्ट्स अभी इस तरह से। अब हम इसमें जो नेक निकाल लेंगे, नेक की जो डिजाइन है वो मैं आपको बता रही हूँ रखेंगे। यहाँ से जो डिजाइन नेक की लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ से 8.5 इंच की, तो मैंने यहाँ 8.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया। इसको मैं थोड़ी दूर तक ऐसे गोल शेप लगाऊंगी। इसके बाद में यहाँ से हम देखेंगे, ये हम लेंगे 2.5 इंच नीचे। अब इस 2.5 इंच के पॉइंट को हमें इस पॉइंट्स में मिला देना है। तो आप चाहे तो इस तरह से इसको स्ट्रेट मिला सकते हैं, आप चाहे तो इसको हाथ से गोलाई देते हुए और भी मिला सकते हैं। इस तरह से मैं इसको हल्की सी यहाँ से गोलाई दूंगी, ठीक है, और इसके बाद हम इसको स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा होगा इस तरह से नेक। अब हम जो यहाँ से 2.5 इंच की पट्टी छोड़ करके, और इस पॉइंट्स को हम नेक लाइन में ऐसे मिला देंगे,
तो ये हमारी बिग साइड की डिजाइंस होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बिग साइड पार्ट्स की पहले, उसके बाद में हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता, पार्ट्स को सिंगल कर लेते हैं। फर्मा कटिंग करने से आपको बहुत आसानी होगी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। अगर आप यहाँ पे स्लीव लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 6.25 इंच शोल्डर लेने होंगे, और यहाँ पे मैं तो स्लीव नहीं लगा रही हूँ इसलिए मैंने 6 इंच शोल्डर लिए हैं। मैं अपनी सारी वीडियोस में ज़्यादातर आपको बता देती हूँ कि आप इसी पैटर्न्स को बाजू के साथ बनाना चाहते हैं या विदाउट बाजू बनाना चाहते हो तो यही है ही फॉर्मूला, और अगर आप बाजू लगाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, वो चेंजिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम ये पार्ट्स भी अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो नेक का पार्ट्स है उसको हमें अलग करना होगा, और नीचे की फैब्रिक को हम अदर कलर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो ये नीचे का हमारा कट है इसको आप अलग कपड़े का कटिंग करके लगा सकते हैं, यानी टू कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ऊपर का पैटर्न होगा ये वाला, और वो नीचे का पैटर्न होगा, और आपका बैक साइड जो है वो ओपन होगा। तो इस तरह से मैंने अपनी यहाँ पे कटिंग कर ली है, हमारे ये दो पार्ट्स होंगे बैक साइड के इस तरह से, ठीक है। इसको कपड़े पे किस तरह से कटिंग करना है वो मैं कपड़े पे कटिंग करूँगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी ये फर्मा कटिंग है, आगे की कटिंग करेंगे। तो आगे की कटिंग के लिए वैसे ही हम लेंथ लेंगे जैसे हमने 13.5 तैयार करनी है, 14 इंच लेनी है, वैसे ही हम शोल्डर लेंगे, वैसे ही हम नेक विड्थ लेंगे 4 इंच की, और जो नेक की नीचाई है यहाँ पे मैंने 3.5 इंच ली है, ठीक है ना। और ये 1 इंच का राउंड शेप लगा करके इस तरह से आपको शेप लगा देना है अपने नेक का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 प्लस 1/2 इंच लेना होगा, ठीक है। आर्मोल वैसे ही 6.25 इंच लेने हमें, और ये जो पॉइंट है वो ये हम लेंगे सिर्फ 0.25 इंच का। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच का पॉइंट लगा करके इसको यहाँ पे ही सेट कर दिया है, और इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही मिला दूंगी, यानी इतना सा हमें यहाँ पे गोलाई देनी है इसको। तो ये मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी अपने पार्ट्स को, यहाँ पे आप इसको हल्का सा ठीक इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए नीचे कमर में देखते हैं, कमर का 4th पार्ट 8 इंच 2 इंच प्लस ऐड करेंगे, आगे का पार्ट ऑफ है तो ये 10 इंच पे पॉइंट लगा दिया है, 1.5 इंच का मार्जिन पे पॉइंट लगा दिया है। अब आपको फिटिंग पॉइंट को इस तरह से फिटिंग पॉइंट में मिला लेना है, और मार्जिन पॉइंट को इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिला लेना है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट की कटिंग आपको बताएंगे। यहाँ होता है 4.25 इंच चेस्ट का 10वां भाग, यानी 38 चेस्ट है, तो और 1/4 इंच कर लिया तो ये टोटल 4 इंच हो गया है, और 4 इंच पे हम 2 इंच ऐड करेंगे, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ। ये 2 इंच कहाँ से आया, देखिए हमने कमर में कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया था ना, वो 2 इंच यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ आर्मोल में जो शेप लगाएंगे वो इस तरह से चेक कर लेते हैं, अपने आर्मोल का टोटल है 9.5 इंच, 9.5 इंच है तो यहाँ पे हम 4.5 इंच यहाँ पे मैं चलिए 5 इंच ले लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। अब क्या करना आपको, यहाँ से हमने 4 इंच लिए तो यहाँ से हम लेंगे कितना, 3.25 इंच पे जो टक्स पॉइंट होता है ऊपर से आप देख लीजिए, 9.5 इंच यहाँ पे टक्स पॉइंट होता है, तो ये टक्स पॉइंट हो गया है, यहाँ से हम लेंगे टक्स पॉइंट को 3.25 इंच पे। इस तरह से आप इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए और इस प्रिंसेस कट पॉइंट को इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये ड्रॉ हो गया, इसको मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा प्रिंसेस कट पॉइंट हो गया है आगे की पार्ट्स के लिए। बहुत सरल कटिंग और स्टिचिंग की स्टेप मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हम देख लीजिए आप 3.5 इंच तक, और अपने ये जो 1 पॉइंट है इनको मिला देने हैं। कैसे मिलाएंगे आप देखिए इस तरह से, और ये जो आप मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ड्रॉइंग, इसकी कटिंग इसी तरह से होगी। ये जो बीच का है ये वेस्टेज होगा, इसको हमें निकाल देना है प्रिंसेस कट की कटिंग के अंदर। तो इसको हमने इस तरह से गोलाई दे दी है अपनी लाइन को, ठीक है। अब ये हमारा एक पार्ट्स होगा और ये हमारा एक पार्ट्स होगा, ये वेस्टेज है, इसको हम निकाल लेंगे। पूरी ड्राइंग हो गई, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं। नेक लाइन की कटिंग करेंगे, फिर ये शेप लाइन 1/4 इंच का, फिर ये आर्मोल लाइन, फिर ये मार्जिन लाइन।
तो अब आप देख सकते हैं मैंने अपने पार्ट्स को कटिंग कर लिया। अब हम इसकी दो पार्ट्स में कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट्स अलग हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, आपको बताऊँ चेस्ट के अंदर, वहाँ पे आप इसको क्वार्टर क्वार्टर इंच निकाल सकते हैं। मैंने इसको हल्का हल्का कट करके निकाल देती हूँ, जैसे हल्का सा इस तरफ से निकाल दिया और ये हल्का सा आप इस तरफ से निकाल दीजिए। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो आर्मोल है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप क्वार्टर इंच यानी हाफ इंच के अंदर अंदर यहाँ से निकाल दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से अब लगभग हाफ इंच ये निकल चुका है, तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे चेस्ट में वो यहाँ से निकल जाता है। और ये जो अब आर्मोल है हमारी बराबर रहेगी, क्योंकि सिलाई का तो हम एक्स्ट्रा लेंगे ही, फिट बनेगा। तो ये हो गया है, ये वेस्टेज था इसको हमने निकाल दिया। अब ये हमारे दोनों जो पार्ट्स है प्रिंसेस कट के ऑलरेडी तैयार है। यहाँ से हमारा ये आगे का पार्ट्स फोल्डेड है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। दोनों पार्ट्स हो गए, अब हम इसको कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि इस पार्ट्स को हमें कैसे कटिंग करना होता है। ये जो प्रिंसेस कट नेकलाइन वाला पार्ट्स होता है, यहाँ पे हम सिम का एक्स्ट्रा लेते हैं, सिर्फ सिम का, ठीक है। दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे ना, इसमें भी एक्स्ट्रा ले लिया है और प्रिंसेस कट पार्ट्स में भी एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। ये दोनों हमारी जो एक्स्ट्रा वो यहाँ पे ऐसे सिम में चले जाएंगे, और इस तरह से सिम में जाने के बाद ये दोनों जो पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दोनों पार्ट्स में सिर्फ सिम का एक्स्ट्रा लेना है और बाकी पार्ट्स जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से मैंने ये आगे का पार्ट्स यहाँ पे कटिंग कर लिया है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। नेकलाइन हो गया हमारी कम्प्लीटली, और ये हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट्स होंगे इस तरह से। अब मैं आपको बैक साइड का पार्ट्स बता देती हूँ। बैक साइड के पार्ट्स में आप इस तरह से देखिए, ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है नीचे वाला। इसको हम यहाँ से हुक पट्टी और गलाई की पट्टी ज्वाइंट करते हैं ना, उतनी एक स्टिचिंग का एक्स्ट्रा लेते हैं, और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, यानी ये जो सिम की लाइन है सिम के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है इसको आप देख सकते हैं, ये जो नेक लाइन हम बनाएंगे इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, और ये जो इसके नीचे स्टिचिंग में जाएगा इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। जो एक्स्ट्रा है ना वो आप ऐसे सिम में दबा दीजिए, एक्स्ट्रा को दबा देने के बाद में आपके पार्ट्स बिल्कुल इस तरह से बराबर हो जाएंगे। जो सिम का है वो इस तरह से देखिए सिम में ऐसे फोल्ड हो गया है, यानी सिलाई में चला गया है। अब ये आपकी मार्जिन लाइन बिल्कुल बराबर हो गई है ना, इस पार्ट्स की और इस पार्ट्स की आप देख रहे हो ये बिल्कुल बराबर है मार्जिन लाइन, इसमें कुछ भी आपकी सिलाई का नहीं जाएगा। तो इसको भी चेक कर लीजिएगा आप कि आपकी दोनों सिम की लाइन कितनी है। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं, ये है लगभग, आठ इंच वो होगी लगभग, और ये हमारी तैयार आठ इंच ही होगी। तो दोनों हमारे जो पार्ट्स है वो आठ इंच के ही होने चाहिए, इस तरह का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारे दोनों पार्ट्स आगे पीछे के बराबर भी होने चाहिए, और जो बीच में कट होता है वहां जहां पे हमें सिम आता है वहां पे हम सिम के लिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो जब सिम में ये चला जाएगा तो ये पार्ट्स जो है आपका बिल्कुल बराबर रहेगा, और ये सिम में चला जाएगा तो ये जो पार्ट्स है आपका ये बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। एक साइड का पैटर्न, हुक पट्टी और लगभग कढ़ाई की पट्टी स्टिच करने के लिए ये हो गया है, ठीक है। और अब इस तरह से ये हमारी नेक लाइन रहेगी, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। ये हमारी शोल्डर्स है और ये हमारी मार्जिन लाइन है, यहाँ पे हम मार्जिन की सिलाई लगाएंगे, और ये नेक डिजाइन हो।